एक किलो चिकन सरदार जी बोल रहे हैं, ये दोनों खा जाते हैं? दोनों नहीं, एक। अच्छा, एक एक और दो, कुल मिलाकर दो के जी? दो नहीं, हमारे पास चार पांच डॉग है, पांच छह किलो एक दिन का लगता है। अगर ये रोज ग्रूमिंग करोगे तो कम होती है ग्रूमिंग, हेयर फॉल अगर हफ्ते में एक बार करें फिर तो ज्यादा होगी। ये मेल है दोनों, इसका क्या प्राइस है? इनका 80,000 है। अच्छा, किस ये कलर की वजह से इसका डिमांड ज्यादा है? ज्यादा है। तो गाइस, आपको है ना शो में जर्मन ही जर्मन दिखेंगे, ब्लैक एंड टैन, एंगुलेशन, नॉन एंगुलेशन, डबल कोट, मीडियम कोट, और इधर ग्रेडन भी है गाइस, द जेंटलमैन भी। ये शो में हो ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं नीचे से देखूँ तो घोड़े टाइप लगता है। तो गाइस, आज हम आपको लेकर आए हैं सभी डॉगों की ब्रीड में से एक, तो सबको द जेंटलमैन डॉग कहा जाता है। ये बहुत ही जेंटलमैन ब्रीड मानी जाती है। आप इसके अलग अलग नाम और अलग अलग कलर में मिलेगा, लेकिन आई लव दिस ब्रीड। अगर आप यहाँ से एंगल लोगे ना तो आपको घोड़ा जैसा दिखेगा गाइस। ये ग्रेट डेन है। सत श्रीकाल वीर जी। सत श्रीकाल। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगदीप सिंह। जगदीप वीर जी कहाँ से? आपा फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब, तो चलो तो सत श्रीकाल जी। सामने सर बताना इस ब्रीड के बारे में। ग्रेट डेन है। समय से आप काम कर रहे हैं इस ब्रीड में? इन्हों आपको थोड़ा ही टाइम हुआ जी, फिर भी दो साल हो गए। दो साल? हाँ जी। तो इससे पहले कोई और ब्रीड में काम करते? नहीं, इधर ही थी ग्रेट डेन। हाँ, वैसे अपने को सेंट बर्नार्ड भी। अच्छा। हाँ जी, उधर रहा। ओके। हाँ जी, ये सेंट भी आपका है ना? सेंट में, सेंट बर्नार्ड में और इस ब्रीड में बिहेवियर वाइज या रख रखाव में कितना फ़र्क है? कोई ज़्यादा फर्क नहीं। अगर मैं सिंपल पूछूं कि उसके बाल बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाल है ही? हाँ, इसकी है ही नहीं। ये बात की इसकी बहुत वो अच्छी है कि अगर घर में रखना ना इसको, हाँ, तो बहुत सही है। इसका कोई बाल वाल कोई वो नहीं है, कोई कुछ हेयर फॉल कुछ नहीं है। और सेंट में उल्टा आपको उसमें है, बहुत केयर करनी पड़ेगी। अगर इतनी ब्रीड को कहूँ, इसका बॉडी वेट मैक्सिमम कितना जाता है? बॉडी इसका नॉर्मल 40+। हाँ जी, हाँ जी, 40+। इतना बड़ा जब कोई डॉग ब्रीड लेता है तो सब कुछ मन में ये सवाल आएगा कि ये खान पान कितना खर्चा जाएगा इसका? दो के जी? दो नहीं, हमारे पास चार पाँच डॉग है, पाँच छह किलो एक दिन का लगता है। एक बताइए, आपके पास स्टड सर्विस पप्स अवेलेबल है? पप्स है, स्टड हमारे पास अभी स्टार्ट हो रहा है, रेडी हो रहा है इसका। ठीक है, इसका स्टड है। कुछ आइडिया बता सकते हो क्या डिमांड है प्लान में, भी कितना डिमांड करनी है स्टड? अभी तो उसका अभी बच्चा है, वो अभी डिमांड कोई रखी नहीं, अभी बच्चा है। और जो पप्स आपके पास है उसका क्या? उसका हमारे पास एक फीमेल है, इसी की लाइन की फीमेल है, मिस्टर के की बच्ची है। उसका हमने 65,000 रखा है। 65,000 फीमेल? फीमेल। और मेल? मेल का वही, मेल का 80,000 के करीब हो जाता है, विद केसीआई पेपर। हाँ, विद पेपर। तो अपना एक बार दोबारा लोकेशन जो भी है को इंग्लिश बुलडॉग थोड़ा बताना सर। तो अच्छा, इंग्लिश बुलडॉग गाइस अलग अलग बच्चे नहीं, ये फीमेल है। हाँ जी, इंग्लिश बुलडॉग। इंग्लिश बुलडॉग ये हमारी होम ब्रीड है। इसका क्या डिमांड है? इसका डिमांड आई 1 लाख। हाँ जी, क्योंकि इसका कलर है जो मरले है, ब्लू मरले कलर है इसका, मरले कलर। इसकी डिमांडिंग ज़्यादा होती है। ब्राउन मरले भी देखा होगा, चॉकलेट मरले देखा होगा, ये ब्लू मरले है। और अगर मैं ब्लैक एंड इसको पकड़ रहे हैं ना, इसकी ब्लैक एंड वाइट का, इसका ये मेल है? ये मेल है दोनों। और इसका क्या प्राइस है? इनका 80,000 है। अच्छा, किस ये कलर की वजह से इसका डिमांड ज़्यादा है? ज़्यादा है। ओके, ये ऊपर से ये ट्राई कलर है ना, ब्लू है, टैन है और वाइट है। तो ये चीज़ें, अच्छा, इतना बड़ा प्ले कर जाती है रोल जी। जो ये हमारी इसकी मदर थी ना, वो ब्लू कलर की थी, ट्राई कलर था ब्लू, ऐसा वो ब्लू कलर था। तो जो फादर था वो चॉकलेट मरले था, और उसके बाद इसका लीटर जो आया है, ये अकेली फीमेल आई थी ब्लू मरले, उसने प्रोड्यूस किया, उसने प्रोड्यूस किया। ये अकेली फीमेल है ब्लू मरले की। 1,00,000 डिमांड? हाँ जी, 1,00,000 डिमांड है विद पेपर। 80,000 मेल है? ये दोनों मेल है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़? कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7009801554। लोकेशन ही फतेहगढ़ सर। इस तरह भी होता है, डॉग पहली बार डॉग शो में आए, उसका फेवरेट खाना जो है क्या, डॉग वो भी नहीं खाता। आपको ग्रेडन के बारे में तो हमने उनके ऑनर से कुछ बातें बताई बताई और अभी सेंट बर्नार्ड के एक ही ऑनर है।
ये नमस्कार नमस्कार। सेंट बर्नार्ड में जब उनके हेयर फॉल होता है बाल झड़ते हैं, मैं पुराने साल में दो बार मिली, गिरेडन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें प्रूफ कितनी मुश्किल हो जाती है बालों को संभालने? अगर रोज ग्रूमिंग करोगे तो कम होती है ग्रूमिंग हेयर फॉल, अगर हफ्ते में एक बार करें फिर तो ज़्यादा होगी ग्रूमिंग। इट्स डिपेंड ऑन ग्रूमिंग। बढ़िया बढ़िया। इसकी क्या है जी सेंट की? उसकी है जी